गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर रीडर बुक एंड ओपन SR9, ओके, ऑफ यूनिट 7. टुडे वी विल रीड द स्टोरी द बॉय हु क्राइड वॉल्फ. वो लड़का जो वॉल्फ वॉल्फ चिल्लाया, ठीक है. तो इस स्टोरी में जो एक बॉय है जिसे मजाक करने की आदत है, लेकिन सच कभी किसी दिन जो है वो उसके साथ खुद ही ऐसा मजाक बन जाता है. तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है. वंस देयर वॉज ए शेफर्ड बॉय. एक बार एक शेफर्ड बॉय था. शेफर्ड मीन्स होता है गड़रिया, मीन्स जो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाता है, ठीक है, उसे शेफर्ड कहते हैं. हु वॉज बोर्ड, जो बहुत बोर हो रहा था, बोर हो रहा था. ही सेट ऑन ए हिल वॉचिंग द विलेज शीप. और वह एक हिल पर बैठा देख रहा था विलेज शिप, विलेज जो शिप को बैठा देख रहा था. ही थॉट ऑफ प्लेइंग अ प्रैंक ऑन एवरीवन. उसने हर किसी पर जो है वो एक प्रैंक अपनाने का, मतलब जो है वो एक चाल चलने का निश्चय किया, ठीक है. ही शाउटेड, वह चिल्लाया वॉल्फ वॉल्फ, कि भेड़िया आया भेड़िया आया. जैसे कि है ना, विलेजर्स है काफ़ी. द वॉल्फ इज चेजिंग द शिप. वॉल्फ शिप का चेज कर रहा है. चेजिंग मीन्स पीछा करना. वॉल्फ जो है वो भेड़िया आ रहा है, वो शिप का पीछा कर रहा है. द विलेजर्स केम रनिंग अप द हिल. जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वो दौड़ते हुए उस हिल पर आए. बट वैन दे रीच द हिल नो वॉल्फ वॉज देयर. लेकिन जब वे हिल पर, इस पहाड़ी पर जिस पे वो बॉय बैठा था, उस पर आए, तो कोई भी वोल्फ वहाँ नहीं था, कोई भेड़िया नहीं था. द बॉय लाफ्ड. तो जब लोग उसके आए तो लड़का हंसने लगा, ठीक है. जैसे आप करते हो ना कि हाँ, कोई मजाक करते हो दूसरों, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, ऐसे. तो वो लड़का हंसने लगा और जैसे कहते हैं उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, ठीक है. ही हैड मेड ए फूल ऑफ देम. ऐसे उसने सभी को मूर्ख बना दिया, फूल मूर्ख बना दिया. द विलेजर्स वेंट बैक इन एंगर. और विलेजर्स जो है वो एंगर मीन्स गुस्से में वापस चले गए. नेक्स्ट डे ही शाउटेड अगेन. अगले दिन फिर वो दोबारा चिल्लाया वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया आया भेड़िया आया वॉल्फ. द विलेजर्स केम रनिंग अगेन टू हेल्प हिम. विलेजर्स फिर दोबारा आए दौड़ते हुए उसकी हेल्प करने के लिए, भेड़िए से बचाने के लिए. वैन दे सा नो वॉल्फ अगेन. फिर जब उन्होंने दोबारा कोई वॉल्फ नहीं देखा, फिर दोबारा से कोई वॉल्फ नहीं था, वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था. दे गॉट फ्यूरियस. वे बहुत गुस्सा हो गए. एंड वुमेन सेड, एक और एक वुमेन ने कहा कि वी वुड नॉट कम व्हेन द वॉल्फ कम्स. जब भी वॉल्फ आएगा तो हम नहीं आएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए. बट द बॉय जस्ट ग्रीन दैम. और बॉय जो है वो एक चेहरे पर मुस्कान, देखिए हंसते हुए हंसता ही रहा, ठीक है ना, कि कैसे उसने सभी को मूर्ख बना दिया. तो उसके चेहरे पे एक स्माइल थी. वन डे ए रियल वॉल्फ केम. एक दिन एक रियल वॉल्फ आ गया, देखिए रियल वॉल्फ आ गया शिप को खाने के लिए. एंड हाउल्ड एट द शिप. हाउल्ड मीन्स जो वो अपनी गर्राने की आवाज़, ठीक है, जैसे शेर दहाड़ता है तो वैसे अपने जो है वो आवाज़ करने लगा. साउंड वॉल्फ की साउंड को बोलते हैं. द शेफर्ड बॉय स्टार्टेड शाउटिंग. शेफर्ड बॉय क्या हुआ, फिर चिल्लाना शुरू किया वॉल्फ वॉल्फ वॉल्फ. वॉल्फ आया भेड़िया आया, ओके. लेकिन अब क्या, विलेजर्स अब तो उसके बात पर विश्वास नहीं करेंगे, ओके. डिड यू नो, में देखिए एसोप्स फेबल्स. एसोप वॉज ए स्लेव, एक दास था. एंड ए स्टोरी टेलर इन ग्रीक. ग्रीक देश में स्टोरी सुनाने वाला था. यूज़ टू ऑब्जर्व पीपल एंड एनिमल्स. वो क्या करता था, उसी के नाम पे ये जो है स्टोरी बुक है, कि जो लोगों को देखता था और एनिमल्स को देखता था और उसी के बेस पे देख के स्टोरी बनाता था. मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स इन स्टोरीज आर एनिमल्स. और इन इसकी जो स्टोरीज में मोस्टली एनिमल्स के ही करेक्टर्स होते थे, ओके. बट द विलेजर्स डिड नॉट कम. लेकिन अब की बार विलेजर्स क्या हुआ, नहीं आए, नहीं आए दिस टाइम, क्योंकि वे गुस्सा हो चुके थे. दो बार इस पहले मजाक कर चुका था ये. इन द इवनिंग एवरी वन स्टार्टेड लुकिंग फॉर द बॉय. शाम को हर कोई उस लड़के के जो है वो देखता शुरू किया. स्टार्टेड लुकिंग फॉर द, उस लड़के के लिए
इंतज़ार करने लगे। दे फाउंड हिम क्राइंग, मतलब वो आया नहीं तो उन्होंने उसे रोते हुए देखा, रोते हुए पाया वो। देयर रियली वॉज ए वोल्फ हेयर, वहाँ पर वास्तव में ही एक भेड़िया था। ही किल्ड माई शिप, और उसने मेरी शिप मार दी, मार दिया सारी शिप्स को। ए मैन सैड, एक मैन ने कहा, नो वन बिलीव्स ए लायर, लायर मीन्स होता है झूठ बोलने वाला, कोई भी एक झूठे पर विश्वास ही नहीं करेगा, इवन वैन ही इज टेलिंग द ट्रूथ, अगर आप जो है वो 10 बार झूठ बोलोगे तो अगली बार आप सच बोलोगे तो भी यही कहेगा कि हाँ झूठ ही बोल रहा है, इवन वैन ही इज टेलिंग द ट्रूथ, अगर कोई वो सच भी बताएगा तो भी कोई उस पर विश्वास ही नहीं करेगा, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो ये वोकैबलरी वर्ड्स हैं, ये आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट, ओपन योर वर्कबुक एंड ओपन वर्कशीट 9 ऑफ दिस यूनिट। जो स्टोरी हमने रीड की है, द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, इसके बेस पे क्वेश्चंस है। देखिए, रीड द स्टोरी फर्स्ट। हु इज द करैक्टर इन द स्टोरी, स्टोरी में करैक्टर कौन है, तो वो शेफर्ड बॉय है। ओके, वेयर वाज ही सीटिंग, वह कहाँ बैठा हुआ था, एट द टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी के टॉप पे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रैंक डिड ही प्ले ऑन द विलेजर्स, उसने कौन सी जो है वो चाल चली थी विलेजर्स पे, वोल्फ चिल्लाने की, वोल्फ वोल्फ चिल्लाने की कि भेड़िया आ रहा है मेरी शिप को मारने के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन द रियल वोल्फ केम, जब रियल वोल्फ वास्तव में वोल्फ आ गया तो क्या हुआ, विलेजर्स उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट द मीनिंग ऑफ बोल्ड, बोल्ड का करेक्ट मीनिंग पे आपने टिक करना है। विच वर्ड मीन्स द सेम एज ग्रीन्ड, इनमें से कौन से किस वर्ड का मीनिंग ग्रीन्ड है। ओके, एंड नेक्स्ट इज, रीड द सेंटेंस, ये सेंटेंस रीड करना है वाइट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा वो बताना है। देखिए, जतिन वांटेड टू बाय सम चॉकलेट्स फ्रॉम द स्टोर, जतिन जो है वो स्टोर से कुछ चॉकलेट खरीदना चाहता था, बट ही फॉरगॉट हिज मनी एट होम, लेकिन वह जो मनी है चॉकलेट के बदले पैसे देने पड़ेंगे, फॉरगॉट मीन्स भूलना, वो घर पर ही भूल गया। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा, ठीक है, वो आपने राइट करना है। ओके, थैंक यू।